ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ करता रहा दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है, जहां बोधघाट थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर एक युवक बीते काफी समय से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। युवती ने शादी की बात कहने पर आरोपी रवि टेमरे शादी से मुकर गया, जिस पर युवती ने आरोपी रवि टेमरे के विरुद्ध बोधघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें, दरअसल आड़ावाल निवासी युवक रवि टेमरे का बीते काफी सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी शादी का झांसा देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। कुछ दिन पहले जब युवती के द्वारा शादी की बात कही गई तो युवक ने शादी से मना कर दिया, जिस पर शादी से इनकार करने के बाद युवती के द्वारा बोधघाट थाने में आरोपी युवक के विरुद्ध शिकायत की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए बोधघाट पुलिस के द्वारा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब पुलिस इस मामले पर संज्ञान लेते हुए धारा 376 323 लगाकर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। मामला थाना बोधघाट का है, जहाँ इस मामले की पीड़िता के साथ जो है इस मामले के जो आरोपी है आड़ावाल निवासी रवि टेमरे, उनके द्वारा जो है इस मामले की पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर पिछले एक साल से जो है शारीरिक शोषण करने का मामला प्रकाश में आया था। और इस मामले की जो पीड़िता है उनके द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी के द्वारा इनके साथ जो है शादी करने का झांसा देकर एक साल से शारीरिक शोषण किया गया है और दो दिन पहले जो है पीड़िता को जो है मारपीट किया गया है। और इस मामले पर पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में धारा 376 और धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत रवि टेमरे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात जो है आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और वर्तमान में जो है आरोपी ने अपना जुर्म जो है स्वीकार कर लिया है और वर्तमान में जो है आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है और यह मामला अभी विवेचनाधीन है।